करते रुख हमारी अगली खबर की तरफ। खबर है बाड़मेर से, जहां पर बाड़मेर के युवा नेता और समाज सेवी कार्यकर्ता आजाद सिंह राठौर ने बढ़ते हुए कोरोना संक्रमण को देखते हुए आमजन में सैनिटाइजर वितरण और मास्क वितरण किया। देखिए हमारी खास खबर। बाड़मेर के युवा नेता और समाज सेवी आजाद सिंह राठौर द्वारा पूरे शहर में सैनिटाइजर मास्क वितरण का अभियान का आगाज किया गया। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते घर घर तक जाकर गरीब परिवारों को राशन किट पहुंचाएंगे और साथ ही उन्होंने बताया जितना उनसे हो सकेगा उतना बाड़मेर की जनता के लिए जरूरतमंद लोगों की मदद करने में वे आगे आएंगे। सबसे बड़ा कोविड प्रोटेक्शन एक प्रोग्राम शुरू किया जाए जिसके तहत शहर के हर घर तक पहुंचने की कोशिश की जाए और वहां पर ये जो कोविड प्रोटेक्शन किट है इसको वहां पहुंचाया जाए। तो इस कड़ी में अभी हम लोगों ने 20,000 किट इस तरह के बनवाए हैं और उसके प्रथम चरण में आज 5,000 किट जो हैं वो जिला केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के मार्फत बाद में शहर के हर मेडिकल स्टोर पर रखा जाएगा जहाँ से इसका निःशुल्क वितरण किया जाएगा। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि इसमें मैन टू मैन जो है वो बहुत ही कम कॉन्टैक्ट हो, इसके लिए हम लोग जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हैं जितने भी हमारे यहाँ पर जो शॉप ओपन हो सकती हैं वहाँ पर इनको रखवाने की कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ पर कोई भी व्यक्ति जाए तो उसे निःशुल्क इस तरह का मिल सके। पहले चरण में जैसे मैंने बताया कि 5,000 किट केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन के मार्फत मेडिकल स्टोर पर, इसके बाद में जो किराना की दुकानें खुली रहती हैं वहाँ पर, उसके बाद में हमारे जो पुलिस के अधिकारियों के मार्फत पुलिस लाइन में और हमारे सभापति जी के माध्यम से नगर परिषद के पार्षदों तक इस किट को पहुँचाया जाएगा और उसके बाद में जो कार्यकर्ता हैं हमारे शहर के विभिन्न हिस्सों में जो रह रहे हैं उन तक ये पहुँचाया जाए ताकि वो ज़रूरतमंद लोगों तक ये पहुँचाएँ और एक मैसेज जाए कि किस तरह से कोविड लगातार हमारे यहाँ फैल रहा है और ज़रूरत है कि हम लोग जागरूक रहें, हम लोग मजबूती से इस लड़ाई को लड़ें और कोशिश करें कि जल्द से जल्द इन परिस्थितियों से हम लोग बाहर आएं।